नमस्कार दोस्तों, डिजास्टर विद के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जिन जिन अभ्यर्थियों का अग्निक पद पर ज्वाइनिंग होने वाली है उसके लिए आज हम जानकारी देना चाहेंगे कि अग्निक पद पर क्या कर्तव्य है और उसके कितने वेतन भत्ते हैं, उसके बारे में आज हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे कि अग्निक पद पर जो योगदान कराया जाएगा तो आपका सैलरी कितना होगा। तो सैलरी के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि कितना कितना सैलरी मिलता है, उसका बेसिक पे कितना है, अलाउंस कितना मिलता है, कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आता है कि इसका जो अग्निक पद का जो बेसिक पे है वो 21,700 है। 21,700 पर ही आपका डियरनेस अलाउंस यानी कि आपका महंगाई भत्ता जो है वो अभी फिलहाल में 38% है। तो 38% आपका 21,700 का 38% जो है वो 8,246 रुपए आपका बनता है। उसके बाद आ जाते हैं हाउस रेंट। हाउस रेंट यानी कि आपका जो हाउस रेंट है वो 8% है जिला के लिए और 16% है आपका पटना के लिए। और ब्लॉक लेवल पे अगर आपकी थाना में ड्यूटी लगती है, थाना में आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपको 4% भी मिल सकता है। तो हम यहाँ 8% के कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं। तो हाउस रेंट जो है वो 8% यानी कि आपका 21,700 का 8% 1736 रुपए। उसके बाद आपका मेडिकल अलाउंस मिलता है 1,000। सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 600 प्लस 38% यानी कि डियरनेस अलाउंस का और 600 का डियरनेस अलाउंस जोड़ के मिलता है। तो यानी 600 और 228 आपकी 828 रुपए आपको सिटी अलाउंस मिलने वाला है। उसके बाद साइकिल अलाउंस 200 है, टेक्निकल अलाउंस 15 रुपया है, फूड अलाउंस 3,000। तो टोटल मिला के आपका वेतन बनता है 36,725 रुपया, जिसमें कि आपका पेंशन फंड यानी एनपीएस में 10% कटता है। ये बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस का 10% कुल करके आपका 2995 कट के आपका पेंशन वाले फंड में चला जाएगा। यानी 33,730 रुपए आपका नेट पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा। तो अब है कि एनपीएस में है 10% आपके वेतन से कटता है और 10% जो है वो सरकार देती है। 2995 आपका 2995 सरकार अपनी तरफ से यानी इतना जोड़ के आपका टोटल पर महीना आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। अब आते हैं कि उसकी वर्दी जो आप यूनिफॉर्म जो भी पहनने को निर्धारित की गई है उस यूनिफॉर्म के लिए आपको साल में जो है वो 10,000 रुपया मिलते हैं। प्रत्येक साल आपको 10,000 मिलते हैं। आपके जूते, वर्दी, टोपी, बेल्ट, जो जो चीजों को आपकी जरूरत है यूनिफॉर्म के लिए उसको खरीदने के लिए आपको पर महीना मतलब पर ईयर आपको 10,000 रुपया मिलता है। उसके साथ ही साथ आपको 13वां वेतन मिलता है। 13वां वेतन में आपका क्या है कि आपका बेसिक पे जो है बेसिक पे जितना है आपका अप्रैल में बेसिक पे है और उसी का डीए उस अप्रैल में जितना आपका डीए है उसको जोड़ के आपको 13वां वेतन के तौर पे मिलता है। यानी कि आपका 13वां वेतन हो गया 29,946 रुपए आपको 13वां वेतन मिलता है। यानी 12 महीना आप ड्यूटी करेंगे और 13 महीने का वेतन उठाएंगे। अब रही बात की अग्नि का जो है सबसे बड़ा कर्तव्य क्या क्या होता है, यानी अग्नि के तौर पे अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आपको कौन कौन सा काम करना पड़ेगा, तो उसके बारे में जानेंगे कि आपको अगर अग्नि के तौर पे आपकी नियुक्ति होती है तो उसमें सबसे पहला ड्यूटी है आपका टेलीफोन और गार्ड ड्यूटी। तो टेलीफोन और गार्ड यानी कि जब भी कहीं से कॉल आता है तो कॉल को रिसीव करने का की जो ड्यूटी होती है उसी कॉल हम लोग टेलीफोन ड्यूटी करते हैं। और स्टेशन का देख रेख की जिम्मेवारी जब मिलती है संतरी के रूप में तो उसमें हम गार्ड ड्यूटी करते हैं। तो ये दोनों हो सकता है चाहे दोनों में से एक हो सकता है। तो पर डे आपको 2 से 3 या हो सकता है कि 2 से 4, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 घंटा दिन में 2 घंटा रात में इतनी ड्यूटी आपको टेलीफोन या गार्ड ड्यूटी के रूप में आपको पर डे करना पड़ सकता है। उसके बाद आती है मॉक ड्रिल की। ये मॉक ड्रिल जो है आपको आम जनता को अग्नि सुरक्षा के बारे में जागरूक करने हैं तो आपको गांव-गांव या आपको गली मोहल्ले में जाकर आपको आम लोगों को अग्नि सुरक्षा के बारे में जो है आपको जानकारी देनी पड़ सकती है। तो ये आपको प्रतिदिन हो सकता है या कभी बीच बीच में आप गैप करके भी आपको ड्यूटी में लगाई जा सकती है। दूसरा आता है फायर ऑडिट। जब फायर ऑडिट करने की टीम जाएगी यानी विभिन्न संस्थानों का अग्नि सुरक्षा जांच के लिए जब टीम जाएगी कहीं किसी भी विद्यालय या हॉस्पिटल में या बड़े संस्थान चाहे मॉल हो या कोई फैक्ट्री हो या कल, तो इन सब चीजों में जब अग्नि सुरक्षा की जांच के लिए कोई टीम जाती है तो उसके साथ आपको जाना पड़ता है।
तो ये प्रतिदिन का वर्क नहीं है, ये कभी कभी बीच में ही जाना पड़ता है। तो ये ड्यूटी फायर ऑडिट में ड्यूटी आपकी हो सकती है। उसके बाद विधि व्यवस्था, विधि व्यवस्था में है कि किसी मंत्री का दौरा हो जाए या कोई बड़ा ओकेजन हो जाए या कोई मेला लग जाए तो इन सब में ड्यूटी आपकी लगाई जा सकती है। कोई परीक्षा हो तो आपको नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी आपकी लगाई जा सकती है एक दो दिन के लिए, या एक दिन के लिए या दो दिन के लिए ऐसी हो सकती है ड्यूटी। तो विधि व्यवस्था में कभी कभी आपको ड्यूटी लगाई जा सकती है। और उसके बाद आता है फायर कॉल, जो कि अग्नि का मुख्य कर्तव्य, यानी आप अग्नि के तौर पर अगर आप नियुक्त होते हैं तो अग्नि संबंधी कार्य करना ही आपका सबसे मूल कर्तव्य है। तो इस पे आपको जब भी आग की घटना घटती है, आग संबंधित कोई कॉल आता है, तो आपको जो भी अग्निशमन वाहन है उसके साथ आपको घटनास्थल पे जाकर आपको अग्निशमन का काम यानी आग बुझाने का काम करना पड़ेगा। तो ये जो है तीन शिफ्ट में पर डे की ड्यूटी लिखी जाती है, फर्स्ट एक्शन, सेकेंड एक्शन और थर्ड एक्शन। तो फर्स्ट एक्शन में अगर आज आग लगेगी तो आपको पहले एक्शन में जो भी लोगों का ड्यूटी लिखी है उसको पहली उसको सबसे पहले जाना होगा। अगर फिर बड़ी आग है, अगर दो गाड़ी की मांग होती है तो जो सेकंड एक्शन में लोग हैं उसको जाना होगा। अगर दो गाड़ी चली गए, तीसरा एक्शन वाले लोग को फिर अगर कोई घटना फिर घटती है तो तीसरे एक्शन वाले को। अगर तीनों गाड़ी निकल चुकी है स्टेशन से तो जो रिजर्व में जो लोग रहते हैं फिर उनको जाना पड़ता है। तो ये आपका अग्नि का कर्तव्य हो गया। तो इसमें ज्यादा ड्यूटी है नहीं, इसमें आपको 2 से 3 घंटा गार्ड टेलीफोन ड्यूटी करना पड़ सकता है। ये कभी कभी एक दो दिन में, ये सप्ते में 2 बार, एक बार मॉनिटर कराना पड़ सकता है, सप्ते में 1 बार 2 बार या फायर ऑडिट में ड्यूटी करनी पड़ सकती है, या विधि व्यवस्था का महीने में 1-2 बार हो जाए विधि व्यवस्था ड्यूटी, ये काफी है। और फायर कॉल जब आग लगेगी तब नहीं लगेगी तो फिर ये ड्यूटी आपको नहीं करना है। तो आज हम लोग अग्नि का जो कर्तव्य है उसके वेतन भत्ते क्या है, इसके आज हम लोग पूरे डिटेल्स के साथ हम लोग आज जाने। तो जो इस चैनल पे नए हैं कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।